हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर महाराज आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि आज के तारीख में जो भी मैं प्रयोग देता हूं आप सबको बहुत ही लाभदायक होता है, और आज तक आप सबको मैंने वशीकरण के मामले में हो या किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो, इन सब के वीडियो आप सबको दे दिया है। आप चैनल पे जाके चेक करते हैं और उसे करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। और आज जो मैं आप सबको एक वशीकरण टोटका देने वाला हूं, आप बिलीव नहीं मानेंगे उस टोटके का जो प्रभाव है। ये टोटका जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टोटके में क्या पावर है। जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा, चुड़ैल साधना जो मैंने आप सबके बीच में दिया था, उससे काफी लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया है। कोई तांत्रिक बना है, कोई अपनी इच्छाओं को पूर्ति किया है, इस प्रकार से उसमें काफी लोग कामयाब हुए। अब इसी तरीके से मैं आप सबको एक टोटका दूंगा जो वशीकरण है, और ये वशीकरण जो टोटका है ये स्वयं चुड़ैल के मुख से निकली हुई है कि अगर चुड़ैल के नाम का वशीकरण करते हो आप, तो ये समझ जाना कि वो सक्सेसफुल होगा। चुड़ैल यहां तक बोलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे नाम से वशीकरण करेगा और सुबह होते ही कार्य कर लेगा तो सफल हो जाएगा। तो पहले आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि प्रयोग क्या है, उसे आप सुने। जिस प्रकार से चुड़ैल साधना करने आप जाते हो, उसी प्रकार से ये भी आपको करना होगा। जिस तरीके से आप बाल लेकर जाते हो चुड़ैल साधना करने के लिए, उसी तरीके से बाल लेकर ही जाना है वशीकरण करने के लिए। वशीकरण करने के लिए जाना है तो करना क्या है, नाई के पास से आपको बाल लेना है, अमावस के दिन लकड़ी लेनी है आम की, थोड़ा कपूर ले लेना है, आप गुलाई सेम बनाएंगे। ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए एक सांस में गुलाई बनाएंगे। गुलाई बनाने के बाद बीच में बैठना है, जब लकड़ी जलाते हो तब बोला है, हे चुड़ैल महारानी, मैं तुझे सिद्ध करने नहीं आया हूं, जिसे मैं चाहता हूं उसे पाना चाहता हूं, उसे अपने लाइफ में बचाना चाहता हूं, उसे शादी करके सेटल करना चाहता हूं, तो मेरे कार्य को पूरा कर और तुम मेरे लाइफ को बना दे, ठीक है। ये आपको निवेदन करना है। उसके बाद क्या करना है, जब लकड़ी जलती है तो आपको 108 आहुति देना है बालों का, 108 आहुति देना है बालों का। आपको मंत्र क्या बोलना है उस मंत्र को लिख लेना, ठीक है, उस मंत्र को आप नोट कर लेना। जब बाल इस तीन उंगली में लेते हैं, ओम चुड़ैल लड़की का नाम, ठीक है, या लड़के का नाम, मम वश्यम फट, फट पे ही डाल देना है। क्या करना है, ओम चुड़ैल, जिस व्यक्ति का हो नाम उसका नाम लेना है, जिस प्रकार से राजेश है या आप समझ लो गीता है, इस तरीके से आपको नाम लेना है, ओम चुड़ैल गीता मम वश्यम फट। क्रूर नहीं बोलना है, ओम चुड़ैल गीता मम वश्यम फट, आपको 108 आहुति देना है। जब आपका ये कार्य करके हो जाएगा तो आपको एहसास होगा कि चुड़ैल आपके समक्ष में आ चुकी है, क्योंकि आप उसे धन दौलत नहीं मांग रहे हो, आप अपने लाइफ के लिए कर रहे हो। तो उस उपरांत क्या करना है, जब अग्नि ठंडा हो जाए, जिस जगह पे आपने आहुति दिया है बालों का, उस बालों का राख थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है। क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है राख, और उस राख को उसके सुबह में, मतलब 48 घंटे तक उस राख के अंदर पावर होता है। चुड़ैल यहां तक बोलती है कि ये कार्य करने से अगर लड़की के बालों में डाल देता है तो मैं आधे घंटे में उसकी तरफ मूव कर दूंगी। हालांकि उसने आधे घंटे का जो बांध दिया है, आधे घंटे में ही लड़की वशीभूत हो जाएगा या लड़का वशीभूत हो जाएगा, उसे आधे घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं आधे घंटे में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं बोलता हूं कि 24 घंटे 48 घंटे होगा। मैं चुड़ैल को भी यही बात बोला था, 24 या 48 घंटे का टाइम मैं देता हूं, उसी दरमियान में तुझे करना है। तो वो बोलती थी, नहीं गुरु, मैं 10 से 15 मिनट में उसे उसके वश में करा दूंगी। तो फिर भी मैंने उसे बोला, देख 48 घंटे का टाइम देता हूं, 48 घंटे में तू तेरा काम करा, ऐसा नहीं कि
तो 10 मिनट में 15 मिनट में तू उसके वश में करा देगा, उसके बाद क्या होगा? तो बोले नहीं, जो आएगी उसे लाइफ में शटल हो जाएगी, इतना मैं काम करूंगी गुरु। तो जैसे आप सबको पता है कि चुड़ैल से मैं बात किया, चुड़ैलों की काफी सारे वीडियो आपको दिया है, उसी उपरांत में जब मैं चुड़ैलों से वशीकरण के विषय में जब मैंने कुछ पूछा था तो चुड़ैल ने यही उपयोग और प्रयोग करने के लिए बताया था, जो आपके सामने मैं दे रहा हूं, इसे करते हो तो शायद, मैं शायद बोल रहा हूं, ये काम सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, ये टोटके पसंद आया, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव।